तो इसमें कोई मसला तो नहीं होगा मतलब जब मैं दो से कर रहा होगा तो कैसे ये किया जाता है अगर दिवस वाइज पे थोड़ी रोशनी डाले और दूसरा सवाल ये है कि वो पैनी स्टॉक तो आजकल बिल्कुल ही बिल्कुल ही माठे हो गए हैं तो उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिएगा जी और थोड़ा ये एक मेरा सवाल है तो था लेकिन क्या हो गया अच्छा चले चाहें बाद में फिर कहीं पूछ लीजिएगा जो है ना पहले दो अपने ब्रोकर का पूछा कोशिश करें एक ही ब्रोकर में अकाउंट रखें जो है ना आस्क्री स्क्योरिटीज़ में अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं इनका टर्मिनल की मैं आपको गारंटी देता हूँ अलहमद का टर्मिनल बहुत ज़बरदस्त है ये ना ये बैठता है और ना कुछ होता है ये और बात है इलेक्ट्रॉनिक्स है कभी ना कभी हो भी सकता है बीच में लेकिन ओवरऑल मुझे तकरीबन बेस्ट लगा है यही कि कोई इतना बड़ा इशू इसके अंदर कभी मैंने देखा नहीं है ये तो तो के अंदर रहेंगे तो फोकस भी सही कर सकेंगे आपके स्टॉक भी एक के अंदर दो, दो की तरह आप देखते रहेंगे ये फिर जब, है ना, की मर्जी है, जब उसको उठा ले तब ये चलते हैं ये हवा के झोंके होते हैं इन पर कोई टेक्निकल तो लगते कोई नहीं है आ, जी साहब है सर आपको अनम्यूट करो मैं जी वाले Uh, कैसा मेरे uh, दो क्वेश्चन है एक तो पीपीएल लिया हुआ है नाइनटी पे uh, और एफ एफ एल लिया हुआ है सत्रह साढ़े सत्रह पे ठीक. एक तो इनका बता दें कि क्या करें दूसरा ये जो अभी आप बता रहे थे इंडेक्स के हिसाब से कुछ स्टॉक्स आप देखें उनकी मूवमेंट जो ऊपर जाते हैं इंडेक्स के हिसाब से लेकिन मैंने मेरी ऑब्जर्वेशन के कुछ कुछ स्टॉक जो है इंडेक्स के हिसाब से जब नीचे जाता है इंडेक्स तो स्टॉक तो नीचे चला जाता है लेकिन इंडेक्स जब ऊपर आता है तो वो स्टॉक ऊपर नहीं आता तो कोई लॉस नहीं, नहीं है ये ने कितना नीचे आना है पंद्रह रुपए नीचे नहीं आना है इसने बहुत यानी बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी रेजिस्टेंस है ये पंद्रह के करीब इसकी तो अगर आप रखी रखें आगे ये जब बीस क्रॉस करेगा फिर ये काफी तेज हो जाएगा इसके अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है एफएफएल के अंदर आगे ये कंपनी पूरा लॉस में थी काफी हद तक इसके लॉस भी कवर हुए हैं ओवरऑल फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है और जब ये जो इसके पीछे पीछे बड़े ग्रुप है जब उनके पास ये एटी नाइन्टी परसेंट पहुँच जाएगा फिर ये कैसे स्पीड मारेगा ये आप सोच भी नहीं सकते ये और पीपीएल ये नाइन्टी एटी फाइव ये लेने वाला स्टॉक है और रखने वाला स्टॉक है जब यहाँ से ये तेज हो जाएगा थोड़ी सी कोविड की सूरत सूर्तयाल ठीक हो जाएगी तो ये पीपीएल और जी डी सी भी आपको अपने पुराने रेट पर नजर आएंगे इनके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आया ई इनकी देख लें इनके सेल्स में देख लें कोई फ़र्क नहीं आया वक्ती तौर पर ये रुके हुए थोड़े हुकूमत के साथ इनके कुछ मामलात रहते हैं जो ही वो क्लियर होते हैं तो आप ये पी पी एल और जो डी सी लॉक टू लॉक ऊपर जाएगा ये वाला अभी तो ये आपको डेट नज़र आ रहा है ना यहाँ पर लेकिन आप इसको लेकर अगर रख सकते हैं इस रेट पर पी पी एल समझे नौ रुपए पर आपको मुफ्त में मिल रहा है ये वाला और ये मुझे तो पिछले आठ दस सालों में बहुत शाजा नाजर ऐसा मौका होगा कि पीपीएल को मैंने इस ऐसे रेटों पर रुका हुआ देखा होगा ये वाला तो बहरहाल मेरी लिस्ट में भी ये शामिल है अगर आप रख सकते हैं और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हैं तो खामोशी से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें और आगे फिर फ्यूचर देखिएगा किधर जाता है ये जी मैडम है मिसी सतीक आज ही इन्होंने हमें ज्वाइन किया वेलकम भी करता हूँ मैं आपको वालेकुम सर वाले, कुंस्यार। वाले कुंस्यार।

आई एल पी गेटम ये तकरीबन जो आपने शॉर्ट टर्म टारगेट दिया है वो आज उस प्राइस पे है तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें अगर और ट्रेड और फिर तो आपने बता दिया ये मेरा क्वेश्चन था और एक मेरिट के बारे में मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरिट तो होपफुली कल ये जो आपने शॉर्ट टर्म टारगेट दिया हुआ इसको हिट कर जाएगा तो वट यूज जस्ट नेक्स्ट शुड वी वेट इसकी जो तो फर्स्ट रजिस्टेंस थी मेरा मैंने इसको क्योंकि लिया हुआ था ऑलरेडी पहले से था मेरे पास तो सेवनटीन पॉइंट समथिंग थावन थ्री पे था, तो आपका क्या ख्याल है कि हमें इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस तक इसको वेट करना चाहिए या हमें कल इसकी कुछ अगर हम कोई मुझे बता दें कोई आइडिया दे को दें दे, टारगेट प्राइस दे दें ओके थैंक यू जी जो जो का आपने मुझसे पूछा यानी जो मैंने रिकमेंड किया हुआ है जो इसका बाइंग जोन है वो आपने देखा उसका कौन सा बाइंग जोन है इसका का का या गेटम वगैरह जी जी मेरे पास ही है मैंने वो, उसका प्रिंट आउट ले लिया था और मैंने उसको देखा है 130 से

थर्टी टू थर्टी फोर के दरियान था थर्टी फाइव तक भी हमने इसको बाई किया हुआ था फिर फोर्टी सिक्स फिफ्टी के करीब हमने इसको बेचा तो आगे भी गैटम जब इन रेट्स पर आएगा तो इनको आपने लेना है अदरवाइज इनको बिल्कुल भी आपने हाथ नहीं लगाना ना साजगार को ना गैटम को ना किसी और ऐसे स्टॉक को जो ऊपर निकल गए अगर वो नीचे आ जाते हैं एकोमोलेशन जोन में आप इनको लाजमी एकोमोलेट करें आ, और जो बाकी आपने पूछा मेरिट का या जो भी उसको अपने इंडेक्स के साथ लेके चल रहे हैं जो डे ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स होते हैं अवल तो उनके टारगेट्स आपको जैसे आज जो मैंने जितने भी स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए अगर आपने मुझे शुरू सुबह ही ज्वाइन किया था तो आपको पता होगा कि मैंने कौन कौन से जो है ना आज के स्टॉक्स रिकमेंड किया अगर आपने मुझे आज लेट ज्वाइन किया तो शायद वो स्टॉक्स आपने ना देखे होंगे तो जो जो स्टॉक्स मैंने बताया रात को मैं उनका प्रोफिट टेकिंग लेवल आपको बता दूंगा लेकिन अगर कल वो प्रॉफिट टेकिंग लेवल तक नहीं भी पहुँचते तो मेरे मेम्बर्स को पता है कि इंडेक्स अगर नीचे आना शुरू हो गया तो फिर आपने निकलना उन स्टॉक्स के अंदर से स्टॉप लॉस अपने जहन में होना चाहिए थोड़ा थोड़ा भी प्रॉफिट मिल रहा है तो आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और बैर उसके रेजिस्टेंस को नहीं देखना स्टॉक की डे ट्रेडिंग के जो स्टॉक्स होते हैं उसमें स्टॉक की रेजिस्टेंस नहीं देखी जाती उसमें इंडेक्स की रेजिस्टेंस देखी जाती है क्योंकि वो इंडेक्स के साथ चलते हैं ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट सारे मेंबर्स के लिए जो अभी भी सुन रहे हैं और जो आगे भी सुनेंगे और इस तरह का एक और मैडम का क्लिप भी था मैंने आपके साथ शेयर भी किया था और उम्मीद है कि अभी दो चार दिन पहले हमारे मेंबर्स को एक छोटा झटका भी लगा था स्टॉप लॉस की वजह से और इंडेक्स की वजह से फिर काफी आद तक तो आप समझ गए हैं सारी बात को। आ, भाई से आपको मैं। जी भाई वो इस वक्त बाइंग जोन में हैं या हाई पे हैं एक क्वेश्चन तो मेरा ये है ये बता दीजिएगा और दूसरा सर मरव साहब से तो काफी दफा रिक्वेस्ट की है आपने कहा था कि अस्करी का नया टर्मिनल भी आ रहा है

उसमें इसका बाइंग जोन लिखा हुआ है पीआरएल का बाईस रुपए से चौबीस रुपए के दरमियान आई थिंक मैंने वहां पर लिखा होगा और एफ ए एस एल का भी इसी तरह है अठारह रुपए से बाईस रुपए के दरमियान दरमियान तो वहां पर आएंगे तो ये जो बनेगी इसकी बाइंग लेवल बनेंगे ये बाकी जो उनका टर्मिनल है आज तो पूरा दिन मेरे मोबाइल पर वो टर्मिनल चलता रहा क्योंकि मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी काम था मुझे आ, तो ये सारा दिन मेरा टर्मिनल चलता रहा शायद आपके कोई मोबाइल का इशू हो सकता है अदरवाइज इसकरे का टर्मिनल अगर जरा सा डाउन हो तो ग्रुप में मैसेजेस शुरू हो जाते हैं मुझे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं शायद आपके एंड में कोई प्रॉब्लम हो सकती है अदरवाइज तो टर्मिनल का अगर प्रॉब्लम हो तो सबके साथ हो ना तो ये हो सकता है जी नुमान हफीज साहब हैं सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं अस्सलाम सर क्या हाल है आपके वालेकुम सलाम सर मेरा क्वेश्चन जस्ट वन है एंड रिगार्डिंग अपर लॉक आपके वो वीडियो से पता चला था कि 7.5% जब प्राइस इंक्रीज होती है या

उन्होंने एक रुपया मैक्सिमम ऊपर जा सकते हैं और एक रुपये मिनिमम नीचे आ सकते हैं ये ये एक रुपये से दस रुपए वाले स्टॉक की बात हो रही है ये अब वो एक रुपया ऊपर चढ़ेगा एक रुपये वाला स्टॉक एक रुपया ऊपर चढ़ के दो रुपये हो जाता है वो तकरीबन अच्छी खासी परसेंटेज बन जाती है समझे हंड्रेड परसेंट ही बन गई तकरीबन उसकी तो उन पर यह परसेंटेज वाला फार्मूला लागू नहीं होता जो दस रुपये से ऊपर ऊपर वाले स्टॉक होंगे उन पर यह सेवन पॉइंट फाइव जीरो का जो है वो फार्मूला जो है फिर लगना शुरू हो जाता है या मेरा ख्याल है उन पर भी जब पंद्रह रुपये से ऊपर होता है तब प्रॉपर जो है वो सेवन पॉइंट फाइव की रेशियो उन पर सही फिट आती है ये वाली हाँ जी शादत और तो रहमान साहब हैं सर आपको अनम्यूट करो मैं जी शादत साहब सर अनम्यूट करें आप बटन दबाएं

और दूसरा जो लॉन्ग टर्म में ये जो डीजी खान सीमट और मैपल लीफ ये दोनों ठीक रहेंगे और दूसरा एक आज आपने क्या आपने जिसमें देखा मैंने आईएसएल स्टील कंपनी है तो इसका आप फ्यूचर क्या देखते हैं जी सर एजी आईएल आपने किस रेट पर लिया हुआ है सर ये इसमें तो मेरे साथ ना एक हाथ हो गया एक तो मैंने लिया था फर्स्ट टाइम अपनी मर्जी से आ, तकरीबन 37 पे 237 तो ठीक है ना।, ना वो सेकंड टाइम क्या हुआ कि मैं अपने ताई उसको जो फर्स्ट वाला चार सौ है उसको निकालने की ट्राई कर रहा था वो सेल की बजाय बाई भी दब गया <laughs> अच्छा, अच्छा। <laughs> सेकंड मेरा वो टू फोर्टी टू पे बाय हो गया <laughs> अच्छा अच्छा एवरेज टू फोर्टी की हो गई है हाँ जी आ, अभी जो है ना कंपनी तो तकरीबन ठीक है ये

बस ये हाँ जी जो है ना बस ये आपने इसका इंतजार करना है टू सिक्स नाइन पर जब ये पहुंचेगा ना तो फिर आपने एक दफा मुझसे पूछना है कि आप इसका क्या करना है उससे पहले, पहले पहले आपने कुछ भी नहीं करना है इसका ये ठीक है ठीक है सर बहुत शुक्रिया और, और बाकी ये थोड़ा बाकी जो है ना मैपल लीव डीजी जी के सी ये ले के रखने वाले स्टॉक नहीं है कि आप इसको लेके भूल जाए जहां जहां पर इनकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करें फिर थोड़ा नीचे आए तो फिर ले लें आप तो वो उसको एक तरीके से चलाना है आपने मैपल को भी और डीजी के सी को भी आई एस एल का भी मैंने जो मेरी लिस्ट आपको मिली हुई है तो उसमें आप देख लें उसके टारगेट क्या है कम अज कम शॉर्ट टर्म टारगेट तक जब वो पहुंचे तो आप एक दफा पूछ लें यहाँ पर क्या करना है, है? जी रूमी जाफरी साहब है कराची से बड़े दिनों के बाद आपका एंड रेस हुआ सर सला के जवाब मिलते रहते तो सुनना और गौर करना ज्यादा बेहतर है बोलने से ज्यादा मेरा लास्ट जो आपका सेशन था कल का उसको मैंने यूट्यूब पे देखा तो उसमें आपने एक ग्रुप का जिक्र किया जिसमें दस हजार हैं तो काफी सारे मेंबर मेरे भी जानने वाले उसमें से क्योंकि मैं पहले उस ग्रुप में था तो उनमें से पांच हजार जो है आजकल वो सदमे में है काफी तो अल्लाह का शुक्र है हम सदमे में नहीं है आप जितनी प्रॉपर गाइडेंस आपकी तरफ से मिलती है और मैं अपने तमाम ग्रुप मेंबर्स को ये जरूर कहूंगा कि जितनी प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पे मिलती है और शायद कोई ग्रुप लगा इसलिए कि मैं बहुत सारे ग्रुप्स में रह चुका हूँ पहले अब काज साहब अल्लाह आपको जजाय सेंचुरी पेपर है ये मेरा बहुत लकी शेयर है अल्लाह का शुक्र है इसमें अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है तो आज मैं आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये जिस पोजीशन पे इसमें बाइंग इसकी बनती है या किस तरह बाइंग की जाए और दूसरी मेरे पास सिर्फ एक आइटम अभी फंसा हुआ है वो है मैकपेट फिल्म वो मेरी तकरीबन सत्ताईस रुपए की बाइंग थी तो आजकल जिस रेट पे इसमें इसको अकोमलेट करें या नहीं करें बस ये गाइड कर थैंक यू जी रूमी भाई जो आपका जबरदस्त स्टॉक है, है ये तकरीबन नब्बे रुपए से लेकर एक सौ बीस रुपए के दरम्यान दरमियान जहाँ पर भी आपको मिलता है थोड़ा थोड़ा करके आप इसको लेते रहे आगे यानी कि इसने जो है ना ठीक ठाक दो सौ रुपए के करीब इसने चला जाना है और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है सेंचुरी पेपर का ये और बाकी जो है ना दूसरा दूसरा स्टॉक आपने बताया आ, मैक आ, पैक फिल्म लिमिटेड वो तो पीछे तो 2020 तक तो उसके लॉसेस थे लेकिन अभी जो 2021 के जो इसके रिजल्ट आये वो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आए यानी अच्छे रिजल्ट आए पॉजिटिव तो उसको अभी आपने होल्ड रखना है और लॉस में बिल्कुल भी उसको नहीं बेचना उसका भी फ्यूचर बहुत अच्छा है ये आ, जी सादत साहब है सर आपको एक दफा फिर आ, जी अनम्यूट हुए हैं आप जी एक दफा करें दोबारा जरा अनम्यूट करें मेरे से आप हो गए जी जीकुम सर वालेकुम अम सर मुझे सवालों का जवाब तो मिल गया मैं ये पूछ रहा था कि ये जो आज आपने शेयर रिकमेंड किए हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं रख सकते आप और दूसरा एक सवाल है कि यूकेएन नंबर अगर हो तो फिर जो डॉक्यूमेंट्स ज्यादा उनको देने होते हैं ये नए अकाउंट खोलने के लिए अस्करी में तो कोई डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं या सिर्फ यूकेएन नंबर उनको दे दें दे तो काफी होगा हाँ जी जी पहला जो आपका सर सवाल है ना कि जो आज के स्टॉक बताएं कल उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी है वो डे ट्रेडिंग वाले हैं जो लिस्ट आपके साथ शेयर की है अगर आपको मिली है वो लिस्ट वो रखने वाले स्टॉक हैं और वो उनको थोड़े थोड़े करके आप इकट्ठे करते जाएँ उनसे आप प्यार करें वो सारे स्टॉक अच्छे हैं ये और बाकी जो दूसरा सवाल है ना वो वो अगर मरवत साहब से आप पूछें अगर उनके पास आपके पास नंबर है उनका तो वो आपको बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं क्योंकि मैं तो

सर थैंक यू सो मच एक तो वो जे ले लिया था वो लगा हुआ था लेकिन मिल गया था अच्छा तो दूसरा मैंने थोड़ा सा लिया था उसके बारे में थोड़ी सी गाइडलाइन दे मिल गया था जी ठीक है ना कोसम कोसम तो हमारे मेंबर ने चार नब्बे पैसे पर भी लिया हुआ वो इंतजार कर रहे हैं कब ऊपर चढ़ेगा कौसम ने जाना है ऊपर इसमें कोई शक की बात नहीं है आगे टेक्सटाइल सेक्टर चढ़ेगा तो कौसम भी ठीक ठाक आपको तो ये समझे अभी मुफ्त में मिला हुआ है तीन रुपए अस्सी पैसे बहुत जबरदस्त रेट है ये शुरू में मैंने बाय करवाया था उस वक्त जब ये शुरू में तीन रुपए अस्सी पचासी पर ये मूव कर रहा था ये तो हमारे मेम्बर ने एक दफा चार रुपए पचहत्तर पैसे पर उसकी प्रॉफिट टेकिंग भी की और कम अज़ कम अट्ठाईस परसेंट उनको प्रॉफिट हुआ यहाँ पर तो इसको रखी रखें यह बहुत अच्छा स्टॉक है और जे एस सी एल और जो दूसरा आपने टॉम कैल लिया हुआ है अभी रात को मैं स्टडी करने के बाद आपको प्रॉफिट टेकिंग लेवल बताऊंगा

माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है सारा सिस्टम आपकी पूरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए सर एक मेरा जनरल सा एक मतलब कह लें कि मशवरा था कि पीडीएफ फॉर्मेट में आप लिस्ट देते हैं तो वो उसका प्रिंट जो निकलता है ना तो रीड रीड करने में सर सब इशू होता है पहले आप एक्सेल में देते थे तो हम उसको एडजस्ट कर लेते थे फॉर्मेट बड़ा हो जाता था जी जी या उसको एक्सेल में वर्ड में या किसी एडिटेबल फॉर्म में उसमें अगर लिस्ट भेज दें तो ज्यादा मेहरबानी होगी हम उसको होता बड़ा करके प्रिंट से ही लें ठीक है दूसरा है मेरा क्वेश्चन डॉल और गेल का थोड़ा सा बता दें गनी आटो वाला जी ए आई एल जी ये सेवन सिक्सटी पे लिया था उस वक्त तो बस उसके बाद फिर ये उससे ऊपर गया नहीं ना इसमें से निकल सके हम और डॉल जो है वो ट्वेंटी नाइन फिफ्टी पे लिया था ठीक है हाँ जी चलो ये दो सवाल है सर अर्शद भाई जी बस जी जी भाई जो पहला आपका सवाल है ना इसका पीडीएफ वाला अगर आपको एक्सेल में चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें मैं आपको एक्सेल में उसको शेयर कर दूंगा ये ठीक है वो कोई इशू नहीं है और दूसरा जो है वो जो गेल है वो इसका तो बता दिया अभी पहले आप उसको देख लें अभी मंबर ने पूछा था और डी भी बहुत अच्छा स्टॉक है इसको रखी ही रखें इसको लॉस में नहीं बेचना आगे इसका भी फ्यूचर बहुत अच्छा है अभी जब मार्केट तेज होगी तो ये भी ठीक ठाक तेज हो जाएगा ये वाला तो ये दोनों स्टॉक जो है बिल्कुल यानी प्रॉफिट वाले स्टॉक हैं लॉस पर तो इनको बिल्कुल भी नहीं बेचना आपने और एक्सेल का मैंने बता दिया एक्सेल की शीट चाहिए हो जिसको भी चाहिए हो आ, वो मेंबर जिन्होंने जो है ना छह महीने तक जिनकी मेंबरशिप हो चुकी है मेरे साथ आ, वो एक्सेल की अगर फ़ाइल लेना चाहते हैं तो वो मुझे मैसेज करेंगे तो मैं उनको एक्सेल की फ़ाइल भी उसका लिंक भी यानी कि भेज दूंगा वो फ़ाइल जी अबू बकरीक साहब है आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं असला तमाम सुनने वाले पी राइडर्स के तमाम दोस्तों को बहनों को बुजुर्गों को और तमाम मेरे सीनियर्स और तमाम मेरा सवाल ये है वक्त बहुत शॉर्ट है तो मेरा सवाल छोटा सा ये है कि मैं अशहीद कॉर्पोरेशन में काफी देर से फंसा हुआ हूँ अप्रोसी एक महीना हो गया

आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे जैसे टोमटल को आप देख रहे हैं टोमटल भी ऑर्गेनिक मीट की कंपनी है अलशेर भी मीट जो है ये एक्सपोर्ट करता है ये फ्यूचर इसका भी बहुत अच्छा है ऐसा नहीं है कि अलशेर शेर ने पैंतीस छत्तीस या चालीस तक नहीं जाना जाना इसने भी है वहां पर लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पर और ये इसमें इतना ज्यादा रिस्क भी नहीं है कि आपका पैसा इसमें डूब जाएगा कितना नीचे आएगा बारह या दस रुपए तक इसने आ सकता है दस रुपए उस टाइम आया था जब आप बहुत ज्यादा क्राइसिस आ गए थे अभी यहाँ से इसने रिवर्स करना है और रिवर्स करते हुए ठीक ठाक ऊपर चला जाएगा अगर आपने इसको रखा हुआ है इसको रखी रखें और पैसे हैं तो कोई और अच्छा सा स्टॉक ले लें इसको ना छीड़ें ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है कल को जब ये बीस रुपए जू ही इसने क्रॉस किए तो फिर आप देखेंगे कि ये कहाँ पर जाता है ये अभी तो इसने राइट्स वगैरह भी दिए थे वो भी आपको मिले होंगे इसके राइट्स वगैरह तो वो जो है ना अच्छे खासे राइट भी इसके अंदर शामिल हो गया उसको पैसा इसको मिल गया शेयर वालों को इन्होंने एक्सपेंशन करनी है एक्सपोर्टिंग बढ़ानी है अपनी और वैसे भी हमारी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट करिए तो शहर का भी फ्यूचर बहुत अच्छा है ये जी कराची से आपको अनम्यूट करो मैं जी अयास भाई अनम्यूट किया आपको आई थिंक नहीं जी मुदसर हुसैन साहब है सऊदी अरेबिया से सर आपको अनम्यूट करो मैं असला

जी मुदसर भाई इस तरह ना कि बहुत से लोगों ने मार्च में छोड़ के चले जाना है और उनके साथ वो इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट का फिर फ़ायदा कोई नहीं है इन्वेस्टमेंट लिस्ट उनके साथ होगी जो प्रॉपर छः महीने मेरे साथ चल रहे हैं कम अज़ कम इस बात की यकीन रहे छः महीने मेरे साथ चलने वाले हैं तो मैं उनको छः महीने वाले स्टॉक बताऊँ ना तो इसलिए बहुत से मेम्बर ऐसे हैं जिनकी मार्च में मेम्बरशिप मेरी ख़त्म हो जाएगी उनको मैंने क्या इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट देनी है उन्होंने मार्च के बाद जो है इस लिस्ट को बाकी ग्रुपों में शेयर करना शुरू कर देना है तो अगर आपने आगे चलना है मेरे साथ तो आगे पैसे जमा कराएं तीन महीने वाले ताकि पता चले आप छः महीने वाले तो फिर मैं आपके साथ लिस्ट भी शेयर करूं और इन्वेस्टमेंट के मुताबिक आपको प्रॉपर गाइड भी करूं ये ठीक है तो आपके साथ शेयर करूंगा चार और फिर मैसेज आ जाएंगे कि हम भी हमें भी शेयर करें और फिर मुझे पता चलेगा वो दस हज़ार वाले ग्रुप में मेरी लिस्ट शेयर हो रही है आप उसकी गारंटी दे दें कि मेरी लिस्ट आगे शेयर नहीं होगी तो मैं सारे मार्च वालों के साथ अपनी वो लिस्ट शेयर कर देता हूँ ये वाली काम हम लोग करें रातें जाग जाकर हम टेक्निकल्स की जो है ना ये लिस्टें बनाएं और लोग अपने नाम लिखे उसके पैसे छापे क्रेडिट करें इसको और इसको गलत यूज़ करें और तो इस तरह हम नहीं कर सकते ये आई एम सॉरी और जो अगर आप मार्च तक हैं तो मार्च तक मैं आपको डेली के स्टॉक्स रिकमेंड कर रहा हूँ आप वो रिकमेंड वाले स्टॉक लेते जाएँ जब अगली मेम्बरशिप आपकी आगे हो जाएगी तीन चार महीने की मेरे साथ मजीद तो मैं तीन महीने वाले इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक भी आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है ये जी अल्ताफ़ साहब हैं सर आप कौन म्यूट कर रहा हूँ मैं अस्सलाम वालेकुम कायि साहब असलरी वन अच्छा कायद साहब मेरे छोटे छोटे दो क्वेश्चन है सर जी जी अच्छा खैर मेरी तो पेमेंट वहां से वो लड़का कर देगा आपको पाकिस्तान से यहाँ से नहीं हो सकती थोड़ी तो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ से ना आपका इजी पैसा वगैरह वहां हो जाएगी अच्छा काय तो मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन है सर पहले मुझे आप ये बताएं कि ये सिरले में यहाँ एंट्री बन सकती है कि नहीं पहले तो ये अच्छा लेट यू फिनिश फर्स्ट प्लीज दूसरा ये कि सर अस्क्री का आज मैंने वो उनकी एप अस्क्री फ्लेयर ना वो मैंने अपने फ़ोन पे डाउनलोड करके उसमें मैंने वो मरो साहब से मेरी शाम में आफ्टर सेशन बात हुई काफी देर ना उन्होंने मुझे पासवर्ड वगैरह देखे वो मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन सर वो आफ्टर पाँच फाइव मिनट ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाते सर और दूसरा ये कि उसके जो ट्रेडिंग टर्मिनल उसमें मुझे वो थोड़ी कंफ्यूजन आ रही है अगर आप माइंड नहीं करें तो मैं आपके साथ पर्सनल शेयर करके थोड़ा मुझे गाइडिंग दे सकते हैं थोड़ी किसी टाइम भी जी अलाफ़ भाई अभी तक जो है ना वो मैंने ख़ुद भी जो है ना जो जो उनकी लेटेस्ट जो है जो अपलिकेशन है वो ख़ुद भी मैंने यूज़ नहीं की मैंने इसको इंस्टॉल तो किया लेकिन मैं भी उनके पुरानी ही ऐप यूज़ कर रहा हूँ आज भी यानी पुरानी ऐप मैंने यूज़ किया तो वो तो तकरीबन पुरानी फ़िलहाल सही चल रही है नई का उनसे मैंने अभी पासवर्ड वगैरह लिया कोई नहीं है नहीं का मुझे तजर्बा भी नहीं है लेकिन मैंने डाउनलोड या इंस्टॉल वगैरह कर लिया अपने मोबाइल में और जब वो कहेंगे कि जी आप पुरानी ख़त्म होगी आप नई यूज़ करना शुरू करें तो फिर मैं नई भी यूज़ करना शुरू कर दूंगा फिलहाल तो पुरानी सी मेरा गुजारा चल रहा है और सही गुजारा चल रहा है ये तो अभी उनको पुरानी बंद करने दें नई प्रॉपर तरीके से चलने दें तो फिर ही मैं आपको गाइड कर सकूंगा इसके बारे में कोई और सवाल बस वो उसका मैंने अच्छा अच्छा सर वो पुरानी नहीं चल रही ना वो भी चलना बंद होगी वो भी अब नया वो भी नहीं हो पा रहा बना वो मेरा ख्याल आपने क्या लोगन लिए है ना तो वो तब आपकी पुरानी नहीं आज तो मैं सारा दिन पुरानी मेरी ऐप चल रही है उसकी ना तो बहरहाल मैं उनसे पूछ लूंगा के क्या इसका मसला है ठीक है ठीक है अच्छा सर्ले सर थोड़ा सर्वे सर, सर अच्छा जी सर सर्य जो ना शॉर्ट टर्म के लिए तो आप इसको ले सकते हो जब ये दो सौ सत्तर रुपए के करीब आए शॉर्ट टर्म के लिए मैं कह रहा हूँ फिर दो सौ पचहत्तर छिहत्तर पर जाए या 80 के करीब जाए आप प्रॉफिट टेकिंग करे लॉन्ग टर्म के लिए आप कोशिश करें कि जब तकरीबन तो दो सौ पचास से ये नीचे नीचे, नीचे आ जाए तो फिर आप लॉन्ग टर्म जो मैंने लिस्ट में भी शेयर किया हुआ है उसमें दो सौ पचास से जो ही नीचे आना शुरू हो जाए तो फिर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें ये ठीक है सर यह बहुत अच्छा स्टॉक है और रखने वाला स्टॉक है और आगे फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है ये यहाँ पर मेरे पास टाइम तकरीबन आठ बजकर अठावन हो गया रात से क्वेश्चन ले लेते हैं रजा खान साहब है सऊदी अरेबिया से बाकीयों से मैं माजरत चाहूंगा अगर उनके सवाल है तो काइंडली मुझे व्हाट्सअप कर दे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा ये आ, जी रजा खान साहब सर आप अनम्यूट करें हलो सामक साहब वाईकम भाई को सबको सलाम कैसा है एक्चुअली एक आ, आ, भाई अभी टर्मिनल के बारे में ऐप के बारे में पूछ रहे थे भी लेटेस्ट ऐप है मैं लूं उसको। जब तक वो पांच वो मिनट अगर यूज नहीं करेगा उसको टच नहीं करेगा तो सब कंपनियों के ऐप जो है वो वो यानी ऑफ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली यानी वो सिक्योर सिक्योर सर्विस के लिए वो लोगों ने ये सिस्टम किया हुआ है और दूसरी सर जो आपने मुझे पोर्टफोलियो दी तो उसके लिए जो आपने दिया है उसमें हम बाइंग का वेट करूं या जो कल के रेट में जितना है वो करूं करू जी आ, सर मैंने आपके साथ एक YouTube की वीडियो का लिंक भी शेयर किया है बस आपने उसके मुताबिक जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है जो स्टॉक आपको बताए वो स्टॉक उस रेंज में अगर आ रहे हैं तो थोड़े थोड़े करके बस आप उन पैसों से एकोमोलेट करना शुरू कर दें एकदम से सारे नहीं करने लेकिन थोड़े थोड़े करके आपने एकट करने ये और ना समझ आए तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करें फिर मैं आपको डिटेल से भी समझा सकता हूँ अगर आप मुझे कॉल करना चाहें तो व्हाट्सएप पर आप मुझे कॉल कर लें किसी भी टाइम पूछ कर तो मैं अगर फ्री हुआ तो मैं आपसे कह दूंगा कि मुझे कॉल करें तो आप उसमें भी मुझसे पूछ सकते हैं अगर समझना है आपको जी इदरीश भाई की तरफ आ रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़रा शॉर्ट है नौ बज के हमारे पास और जिन मेम्बर्स के सवाल रह गए उनसे मैं माजना चाहूंगा अगर उनके कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे स्टॉक के तो आप इस जूम सेशन के बाद मुझे वाट्सएप पर मैसेज कर दें तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा उसका सर वालेकुम सलाम सर आज जो है लोगों ने काफी कुछ पूछा मैं जवाब दे देता हूँ लेकिन सबसे पहले तो इनको ये बताया था कि ये मार्केट पेशेंस का खेल है अगर आपके पास पेशेंस नहीं है ना तो ये मार्केट में रुक नहीं सकते मार्केट के बारे में जो तीन चार बातें मशहूर हैं वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे सब्र सब्रयूब चाहिए उम्र खजर चाहिए कारून का खजाना चाहिए तो फिर ये कामयाबी हासिल कर सकते हैं अगर ये चाहे कि अभी अभी लूं और अभी अभी बेच दूं तो ऐसा नहीं हो सकता थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा किया करें हमारे डॉक्टर साजिद साहब ने सबसे पहला सवाल आपसे पूछा था अभी वो नहीं होंगे मेरे ख्याल में तो तो उन्होंने कहा कि ये फर्टिलाइजर वगैरह बड़े ठंडे स्टॉक है और ये तो क्या हो रहा है तो फर्टिलाइजर में आज भाई सबसे ज्यादा जो है खरीदारी फर्टिलाइजर थी लिपि का अगर डेटा देखेंगे तो जितना भी म्यूचुअल फंड वगैरह ने बेचा है ना सारा इंडिविजुअल लोगों ने ही खरीदा है फिर उसके बाद जो है मैं आफान भाई से एक बात कहना चाहूंगा माशाल्लाह वो सब कुछ एनालिसिस बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर उन्हें ये बात देखनी चाहिए थी कि आज मार्केट उठी क्यों है आज इसके अंदर क्या क्या आ गई कि एकदम ये ऊपर चढ़ी है इसकी वजह सिर्फ ये थी कि ओवर हो चुके थे बहुत सारे शेयर अब देखें एक सौ में आई बिक रहा था अब वो आगे एटी में मिल रहा था तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे आके इसको ऊपर चढ़ना था इसी तरह जो है ये देखा करें ओवरसोल्ड कहा हो गई है जहाँ ओवर सोल्ड हो जाए आपको इंडेक्स की तरफ ना जाए फिर फिर आप उसको पकड़ ले शेयर को अब देखें आई एस आई चला जितना भी आपका स्टील सेक्टर था तकरीबन सारा ओवल सोल्ड हुआ हुआ था और वो चला महा सिवाय मुगल के अच्छा इसी तरह मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिन भाइयों ने मुगल खरीदा था अब वो मुगल चले इसको कंपेरिजन बता देता हूँ मैं आपको कि मार्केट में आपने कर रहा काम किस तरह है मुगल के अंदर कैप लगा हुआ था लिहाजा उसको लोग नहीं छोड़ रहे थे आपका रेली जो है चला चलने के बाद दो सवा दो रुपये ऊपर गया उसके बाद वो नीचे आया तो इसका मतलब क्या था कि ये स्टैंड नहीं कर रहा आप दो सवा दो तो छोड़ देते नीचे एक रुपया नीचे आपको मिल जाना था जैसा कि हुआ है आज हमारे जो नई भाई थे उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा अगर वो सुन रहे हो तो ये जहन में रखें कि मारी जो है देखें आज भी सोलह सौ सो को टच कर गया वो और उसके बाद बीस पच्चीस रुपए नीचे आ गया उसमें टोटल जो है ना छियासठ हज़ार शेयर का काम हुआ है जब उसके अंदर वॉल्यूम नहीं था तो ये उसको फौरी तौर पर छोड़ देते वहां क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं था लिहाजा उसको नीचे मिलना ही मिलना था और उसकी जगह दूसरे आइटम को खरीद सकते थे नहीं तो उस पैसे को रोके रखते आगे मिल जाता तो ये चीज़ें देखने वाली होती है कि जिस वक्त तो वो उसमें वॉल्यूम ना हो और एक दफ़ा वो ऊपर जाता है तो आप उसको फौरी तौर पर छोड़ दें नीचे वो मिल जाता है इसी तरह जनाब अली हमारे जो आफान भाई है जिनसे मैं बात कर रहा था उन्होंने पूछा तो मैं कहा देखा आई एस आईल है आई एन एल आई है ये सारे ओवरसोल्ड हुए हुए थे और भी बहुत सारे जो है ना ओवरसोल्ड हो चुके हैं जो कि खरीदे जा सकते हैं इसके बाद एक साहब ने आपसे पूछा था जे वी डब्ल्यू जे वी डी सी ये है जावेदा सीमेंट कारपोरेशन इनको मैं बता दूं कि जावेदा सीमेंट खत्म हो चुकी है उसकी जमीन पे नया नाजमाबाद बन गया है और ये आरिफ हबीब साहब के पास है लिहाजा इसके अंदर ना जाए इसमें कुछ भी नहीं रखा उसके बाद एक साहब और हैं उन्होंने आपसे पूछा है कि ये हमारे मोहम्मद असलम साहब मलिक हैं यूके से कि ये हमारा तीस परसेंट क्यों काट लिया जाता है तो मेरे भाई आप पाकिस्तान से इनकम जनरेट होती है आपकी आप जब शेयर खरीदते हैं पाकिस्तान से पाकिस्तान को तो आपको कोई टैक्स देते नहीं क्योंकि आप ना ही रिटर्न फाइल करते रहते हैं यूके में तो डेफिनेट सी बात है जब आपको तो पाकिस्तान से ये सोर्स जनरेट हुआ है तो टैक्स भी यहीं पर इसका कटेगा आप रिटर्न फाइल इसलिए नहीं करते कि आप यहाँ पर नहीं है इसलिए ये इनका तीस परसेंट ही टिक कटेगा क्योंकि ये ओवरसीज़ हैं तो ये यहाँ पर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे ये करते हैं और उसके बाद वापस ले जाते हैं क्योंकि इनकी रिमिटेंस नहीं है रिमिटेंस वो होती है जो पैसा भेज दिया जाए अपने मुल्क में अगर वो रहेगा तो वो रिमिटेंस होता है उसके ऊपर उनको रिबेट भी मिलता है लेकिन इसके ऊपर नहीं मिलेगा ये स्क्रीन की अच्छा उसके बाद जनाब ने पूछा है साहब है ये उन्होंने कहा कि जी कुछ शेयर जो है ना एक और दो भी मिल रहे होते हैं बिल्कुल मिल रहे होते हैं वो ऐसा होता है कि फिर ओल्ड लॉट में नहीं मिलते अगर वो रेडी के अंदर मिल रहे होते हैं ना आपको तो ओल्ड लॉट उनका खत्म हो चुका है वो यहीं से आपको खरीदने होंगे अच्छा अब ये कह रहे हैं लाट पाँच की है और वो सौ में कप भी मिलती है तो देखो जो शेयर सौ रुपये से ऊपर तीन माह तक ट्रेड करे तो उसकी लाट को स्पिड कर दिया जाता है वो सौ मिलते हैं अगर वो सौ से नीचे है सौ पे जाता है लेकिन चंद दिन बाद वापस आ जाता है तो उसकी लाट पाँच सौ की रहती है उसके बाद एक साहब ने और भी पूछा है कि ये डबल अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं कि जी मैं अस्करी में भी खुलवा लूँ और तो भाई आप जितने भी अकाउंट खुलवाएंगे तो उनको मैनेज करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना आपको और फिर हर अकाउंट ओपनिंग के पैसे कटते हैं हर एक जगह पे पैसे कटेंगे इनके किसी एक जगह पे रहें और उसके बाद जो है ना दूसरे जगहों पे अकाउंट बना कर में एक हमारी बहन जो थी उन्होंने सवाल पूछा साजगार का और साथ में फिरोज का पूछा है तो मैं उनको बता दूँ साजगार बहुत अच्छा है और ये साजगार ऊपर ऊपर जाएगा जब ये एक सौ सत्तर और अस्सी के दरमियान रुक गया था अकामोडेट हो रहा था तो वहां पे इनको देख लेना चाहिए था तो ये अब और ऊपर जिस दिन इसने 200 से ऊपर वो क्लोजिंग दी तो ये उसके बाद बहुत ऊपर जाएगा अच्छा आज जो है मैं टीआरजी के ऑफिस गया था टीआरजी से मैं काफ़ी मालूम लेकर आया हूँ क्योंकि हमारे एक आया, उनका नाम मेरा एजाज नाम है एजाज अली साहब ने बात की थी तो मैं गया था वहाँ जाके मालूम काफ़ी मैंने इकट्ठी किया था लेकिन ये जहन में रखे कि अब टी अगर डेढ़ रुपए पे क्लोजिंग देगा तो ये नए रेवल बनाएगा ये दो सौ क्योंकि जहाँ से इनका वो आया है मैंने उनके अकाउंट्स वगैरह भी वहाँ जाके देखे थे तो ये तो आगे जाके बहुत अच्छा हो रहा है और आप इसके अंदर जो है ना बाइंग कर सकते हैं अच्छा इसी तरह हमारे रूमी जाफरी साहब हैं ये मुझसे भी रबते में रहते हैं तो इन्हें मैंने बता दिया था ये जिन साहब की बात कर रहे हैं मैं भी उनको जानता हूँ बहरहाल वो एक अलग मैटर है उसको छोड़ देते हैं तो ये सेंचुरी पेपर लेना चाहते हैं बिल्कुल लें ये और दूसरा मैक वैक जो इन्होंने बात की मैक पैक लिए ने ने कर लिए के लिए सत्ताईस सौ लिया था मेरा खाला बीस पर लेकिन वो आ जाएगा उसकी जो चार्टेड अकाउंटेंट कंपनी है जो है मैं उनको भी जानता और मैं हमारा हाथ भी हो सकता उसके बाद और तो कोई खास शायद सवाल रह नहीं गया है दूसरा काम यह है कि सबसे मुश्किल काम जो है ना स्टॉक मार्केट में वो है पैसा रखना अब पैसा अगर आपके अकाउंट में पड़ा हुआ और ऐसा हो नहीं सकता कि आप कुछ खरीदे ना तो यहाँ पे सबसे मुश्किल काम यही होता है पैसे को संभाल कर रखना और ये पैसा संभाल के इसी टाइम के लिए रखा जाता है कि जो स्टॉक ओवर हो जाए आप उसको पकड़ें आप उसके अंदर जो है एंट्री ले लें ये पैसा इसीलिए होता है दूसरी बात यह है कि इसमें जो है ना इसको बेटी का घर भी कहा जाता है बेटी के घर जाओगे तो देकर ही आओगे तो अगर आप जो है जल्दबाजी करेंगे और बड़े बड़े छक्के मारने की कोशिश करेंगे तो फिर ये बेटी का घर बन जाएगा सारे पैसे आपको वहां देने पड़ जाएंगे तीसरी बात यह है कि यहाँ पर जो है छक्के रोज नहीं लगते जो तो भी छक्का मारता है तो कैच होने का खतरा भी उतना ही होता है अगर आपको लॉन्ग टर्म इनिंग खेलनी है तो ग्राउंड शॉट खेलें सुकून से पैनिक होने की कदन ज़रूरत नहीं है मार्केट जो है पेशेंस का नाम है आराम आराम से खेला करें ये देखें मार्केट जो है ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी ये तो इसका हौसला है और इसी तरह इससे चलना है मार्केट कल भी ऊपर जाएगी उसके बाद जो है ना फिर बाद में सुबह क्योंकि सैंतालीस पे आके फिर वो भारी हो जाएगी यहाँ से आके फिर वापस आ सकती है तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ये जेहन में रखा करें जिस स्टॉक में वॉल्यूम क्रिएट नहीं हो रहे होते तो वहां से ये निकल जाया करें क्योंकि तो उसमें वॉल्यूम नहीं जनरेट हो रहे होते जब वॉल्यूम जनरेट नहीं होते इसका मतलब लोगों का इंटरेस्ट वहां से ख़त्म हो गया है पेफिलिप्टी का डेटा जरूर देखा करें किस आइटम में बाइंग हुई है कहाँ नहीं हुई है आज आपके सीमेंट सेक्टर में हुई है या आपके फर्टिलाइजर में हुई है और बाइंग करने वाले जो है इंश्योरेंस ने कंपनी ने भी बाइंग की है आपके भी है, आप हैं निकल रहा है, में ही निकल रहा है। तो कोई सवाल नहीं मैंने तकरीबन सबके जवाब दे दिए खासतौर पर नई भाई से मैं कहूँगा कि ये मारी को रखकर बैठ, ना बैठे अब ये देखें सोलह सत्रह सौ के जरूर सेल करें जब इसमें वॉल्यूम नहीं है आप इसे निकल शुक्रिया सर जी जी दरीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया अपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा सबके तकरीबन जवाब दिए और तकरीबन सबको समझ आ गई होगी कि कैसे चलना है और जो ख़ास तौर तो पर सब्र ऐब और उम्र खज़र और ख़जाना कारून आपने माशाल्लाह अच्छे अच्छे अल्फाज जो आज यूज़ किए ये भी चले मार्केट का हुसन है ये इन टर्मों से भी इनको वाकिफ होना चाहिए और ख़ासतौर तो पर एक नई बात चलें मेरे नॉलेज में भी इजाफा हुआ यह बेटी का घर है इसमें देखे के जाना पड़ता है अगर आप बेसब्रे होंगे तो बहरहाल कोशिश करें कि प्रॉपर तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर ज़रूरी नहीं होता कि रोज़ रोज़ ही बाइंग करें आ, और रोज़ रोज ही जो है आप जो है ना छक्के मारने की कोशिश करें आ, जब आपसे कहा जाता है आज मैंने खुलकर आपको स्टॉक बताया ये भी खरीदें वो भी खरीदें क्योंकि वो वारे ओवरसोल्ड पोजिशन थे ओवरसोल्ड और ओवर बोल्ड पोजिशन पर मेरी टेक्निकल पर वीडियो भी बनी हुई है वो देखें तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि अवर सोल्ड कब होते हैं तो अवर बोर्ड कब होते हैं और ये होती है क्या टर्म है कई लोगों के लिए तो ये टर्म ही नहीं होंगे मतलब क्या है उनके लिए यही है कि वो वीडियो देखें टेक्निकल्स की जो वीडियो बनी हुई है मेरी खास तौर पर बुलंजर बैंड वाली वीडियो है उसमें ये पोजिशन मैंने समझाई हुई है और उसमें ये सारे स्टॉक लगा के भी रखेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि अवर बोर्ड और अवर सोल्ड कौन सा स्टॉक हुआ हुआ है क्या वहाँ पर बाइंग बनती है या वहां पर सेलिंग बनती है ये तो आज भी जैसे अमरेली स्टील है ये स्टील सेक्टर तकरीबन सारे ही जो है वो ओवरसोल्ड हुआ हुआ था ओवरसोल्ड का मतलब यहाँ पर बाइंग उनकी बन रही थी और कुछ ऐसे स्टॉक थे जो हमने भी आपको रिकमेंड किए जब रिकमेंडेशन आएगी तो हम आपको लाजमी रिकमेंड करेंगे जब नहीं आएगी तो हम कहेंगे कि अवॉइड बाइंग बिल्कुल साइड पर हो जाए तो यही इसी तरीके से चलेंगे तो इन आपको जो है वो फ़ायदा होगा बहरहाल आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अगर मैं नाम लूँ तो ख़ासतौर पर अब्दुल खालिक साहब हैं फैसलाबाद से इन्होंने हमें ज्वाइन किया अब्दुल लतीफ़ साहब ने हमें भूरे वाला से ज्वाइन किया रहमान साहब ने हमें फैसलाबाद से ज्वाइन रहमान इरफान साहब ने हमें जॉइन किया अब्दुल अब्दुलसमद साहब ने शिकारपुर से अब्दुल अब्दुलवाब साहब ने हफ्साबाद से अब्दुल अब्दुलवाई साहब ने हमें हरीपुर से अब्दुल रहमान साहब ने हमें हैदराबाद से अबरार साहब ने कराची से अबू आगे इसके बाद अबू सिद्दीक साहब हैं इन्होंने हमें है। पता नहीं कहाँ से जॉइन किया अहमद फसी साहब ने हमें कराची से जॉइन किया अहमद हुसैन साहब ने हमें मरदहाँ से जॉइन किया अलाउद्दीन खराज साहब ने हमें कराची से जॉइन किया आ, अलता भाई ने हमें बैंकॉक से जॉइन किया आमिर सिद्दीकी साहब ने हमें अबू धाबी से जॉइन किया अमजद क्रेशी साहब ने भी हमें जॉइन किया पता नहीं कहाँ से इन्होंने जॉइन किया मेरा मेखरा दुबई से इन्होंने जॉइन किया होगा अर्शद साहब इन्होंने हमें इस्लामाबाद से जॉइन किया इसके बाद ए आर वसीम साहब ने हमें रावलपिंडी से जॉइन किया आशिक साहब ने हमें लिया से जॉइन किया आसिफ अली साहब ने कराची से अतीक भाई ने हमें जो है ना ये भी आई थिंक इस्लामाबाद से इन्होंने हमें जॉइन किया याद साहब इन्होंने कराची से जॉइन किया अजीम साहब भी कराची से इन्होंने जॉइन किया डॉक्टर ताज साहब ने हमें सऊदी अरबिया से ज्वाइन किया हाँ फैजल अजीज खान साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया फ़ियाज साहब हैं इन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया इसके असन बाद असन अहमद खान साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया असन इमरान साहब ने जोराबाद से हमें ज्वाइन किया इदरीस भई है उन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया मैडम इकरा है उन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया जाम यासी साहब ने हमें होली मदीना से हमें ज्वाइन किया माशा जलील अहमद साहब ने हमें रावत से ज्वाइन किया ख्वाजा माजिदि साहब ने हमें हवेलिया से ज्वाइन किया असद साहब ने हमें जंग कसूर से हमें ज्वाइन किया शिबाज़ साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया तारिक साहब ने भी हमें लाहौर से ज्वाइन किया साबिर साहब ने हमें सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया स्नौला साहब ने हमें बहावलपुर से ज्वाइन किया मिसिस अतीक है इन्होंने हमें रावल पिंडी से जॉइन किया मोहम्मद साहब हैं इन्होंने हमें कराची से जॉइन किया जावेद साहब ने हमें फैसलाबाद से जॉइन किया सिराज साहब ने हमें रावल पिंडी से जॉइन किया तनवीर अक्रम साहब ने हमें कोत से जॉइन किया जिया भाई ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया मुमताज़ अली साहब ने सादाबाद से हमें ज्वाइन किया आ, मुक्म अशरफी साहब ने हमें रहीम यार खान से ज्वाइन किया साहब ने हमें सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया आ, मुसफर हुसैन साहब ने हमें मदीना मुनवरा से ज्वाइन किया माशाल्लाह आ मुसमिर हुसैन साहब ने भी हमें सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया नदीम नसीम साहब ने हमें कतर से ज्वाइन किया नुमान हफी साहब ने हमें रावलपिंडी से ज्वाइन किया मैडम नाजरी सुल्ताना ने हमें कराची से ज्वाइन किया परवेज़ साहब ने हमें इस्लामाबाद से जॉइन किया राना मुस्तफ़ा साहब ने हमें मुल्तान से जॉइन किया राशिद जुबैर साहब ने हमें कराची से जॉइन किया इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रजा ख़ान साहब इन्होंने हमें सऊदी अरेबिया से जॉइन किया रियाज खान साहब ने हमें पिशावर से जॉइन किया रिजवान साहब ने हमें दुबई से जॉइन किया सफदर साहब ने हमें सरगदा से जॉइन किया आज सरमान साहब ने लाहौर से जॉइन किया आ, इसके बाद शेख सईद साहब ने हमें कराची से जॉइन किया शरीफ़ अमान साहब ने हमें रावल पिंडी से जॉइन किया आ, सुल्तान साहब ने हमें लाहौर से जॉइन किया सैयद यूसुफ इकबाल साहब ने हमें कराची से जॉइन किया तारिक साहब ने रावल पिंडी से जॉइन किया उमेर अरचे साहब ने मुल्तान से हमें जॉइन किया उमर साहब ने हमें इस्लामाबाद से जॉइन किया वजी बुखारी साहब ने हमें लाहौर से जॉइन किया झीशान भाई ने हमें कराची से जॉइन किया और एक और शिशान साहब है उन्होंने हमें जद्दा से ज्वाइन किया इंजीनियर सलीम सैरानी साहब ने हमें मुजफ्फरगढ़ से ज्वाइन किया बाकी मेम्बर ने भी हमें जॉइन किया लेकिन उनके सिटीज़ के नाम या उनके ओवरसीज़ कंट्री के नाम नहीं थे तो मैं उनका नाम नहीं ले सका बहरहाल अगर किसी का क्वेश्चन रह गया हो तो एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर दूँ आपका अगर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं आपका क्वेश्चन नहीं ले सका कल आप लोग कोशिश करें कल पहले टाइम ज्वाइन हो और पहले ही हैंड रेस करें तो आपका क्वेश्चन बड़े आसानी से जो है ना वो पहले आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन भी आ जाएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखें मुझे कासिम मोहम्मद नबीर को पी एस एक्स बुर एड्रेस के प्लेटफॉर्म से इजाजत दें अल्लाह हाफिज